हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके प्रवेश परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है और आज हम हिंदी का अगला वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, शायद पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो वीडियो को ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 होती है। ठीक है, कितने उपनिषद हैं? तो 108। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? ठीक है, जो भारतीय शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा? तो भारतीयों जो हो जाएगा उसका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वाक्य का शब्द युग्म, यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाक्य। वाक्य का शब्द युग्म जो है, यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म क्या होगा? तो अनुच्छेद का शब्द युग्म होगा जो वाक्य होगा। ठीक है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का जो स्त्रीलिंग होगा वह होगा सूर्या। ठीक है, ए यानी कि ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, भलाई, थोड़ा, मिठास या फिर स्वयं। इसमें से विशेषण कौन है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ड कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अंग तथा अह। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी जो शब्द है आपका ऑप्शन नंबर ए है, मनुष्य। ठीक है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, स और स, बड़ा स और छोटा स। ठीक है, यह क्या होती है? नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ठीक है, वाचनालय है, समतल है, पशु है या फिर विद्यालय। रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशु। स ख स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द क्रीडंत है? तो क्रीडंत जो आपका शब्द है वह है भिड़ंत। ठीक है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन जो इसमें से है निम्नलिखित में से वह है दिल्ली में। ठीक है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ जो शब्द है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, वैभव है। निम्न में से कंठ है ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ है जो ध्वनियाँ होती हैं वह आपकी होती हैं क और ख। आप सभी लोग बोल के चेक कर सकते हैं। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जलज। ठीक है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के जो व्यंजन है वह है आपका या, इया जो होता है वह उसी का इया हो जाएगा। ठीक है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, जो पहले जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं और जो अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो जो अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अगला है, अवस्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं वह होते हैं ड और ढ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन सा है? तो अल्प प्राण जो वर्ग है वह है आपका क और ग। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक अगर आपको बनाना है तो आप प्रयोग करेंगे तो अनुजा हो जाएगा, और अनुजा जो है स्त्रीवाचक है। ठीक है, वस्तु स्थान भाव या विचार को द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा कहते हैं। अगला है, प्रयुक्तमाति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, प्रयुक्तन मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, इसमें उपसर्ग छाटी कौन सा है? उपसर्ग मैंने आपको पहले ही बताया था उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं वह पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका? तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रति जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अगला है, स्त्रीत्व शब्द की में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द जो है उसमें आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, स्त्री तो क्या है? भाव प्रकट कर रहा है, भाववाचक संज्ञा। अगला है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे?
तो आप कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, इसको विपरीतार्थक यानी कि इसके विपरीत बनाना है, ठीक है, गमन को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आ, ठीक है। या जैसे आप आगमन प्रयुक्त करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका विपरीत, इसका विपरीत बन जाएगा, गमन है ना तो आगमन हो जाएगा, ठीक है, इसका विपरीत बन गया। अगला है धिक्कार कौन सी संज्ञा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, भाववाचक संज्ञा है। कौन से शब्द शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक, ठीक है। बंधुत्व तो किस प्रकार की संज्ञा है, तो जो बंधुत्व तो है आपका वह है भाववाचक संज्ञा। बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बचपन, ठीक है, यही भाववाचक संज्ञा होगी। पूर्व दिशा किसका रूप होता है, तो पूर्व दिशा जो होता है आपका वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप। लाली और अहंकार संज्ञाएं क्रमशः किससे बनी होती हैं, तो लाली और अहंकार जो संज्ञाएं होती हैं वह विशेषण और सर्वनाम से बनी होती हैं। अशोक मार्ग है यह कौन सी संज्ञा है इसमें, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया है कौन सी संज्ञा है इसमें, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, अवयव से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शाबाशी, ठीक है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। पानी में कौन सी संज्ञा है, तो पानी जो है आपका उसमें है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, एक द्रव्य है ना इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। कबूतर कौन सी संज्ञा है, तो कबूतर में आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, एक तरीके से जाति को प्रदर्शित कर रहा है। यह जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है कौन सा है इसमें से, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, चपरासी जो है जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, ठीक है। घी कौन सी संज्ञा है घी में, तो घी में जो है आपका वह है कौन सा होगा, द्रव्यवाचक, ठीक है, अभी एक द्रव्य की तरह ही है, ठीक है। पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो पापी का जो स्त्रीलिंग होगा वह होगा पापिन, ठीक है। हृदेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, हृदेश ही है कर्ता कारक, ठीक है, वही कर्ता कारक है, वही कार्य कर रहा है। एक वचन से बहुवचन बनाने में अंत में क्या जोड़ा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ए जोड़ा जाता है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो समूहवाचक जो संज्ञा है आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अंगूर जो है समूहवाचक, अंगूर का कितना होता है, बहुत सारा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं समूहवाचक। पौधे रहेगा तो एक पौधा चावल, चावल भी एक तरीके से आपका समूहवाचक में ही आएगा, ठीक है। गुलाब एक रहेगा, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि चावल, यह भी आ सकता है, यह भी आ सकता है, ठीक है, या इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है, तो यह दोनों हो सकते हैं, लेकिन राइट आंसर इसमें सी दिया है, लेकिन यह दोनों है, तो आपके एग्जाम में आएगा तो दोनों नहीं आएगा। अगला देखते हैं, दर्शन शब्द होता है, तो दर्शन जो शब्द होता है वह होता है सदैव बहुवचन, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वह है डकैती, यह नहीं है, बिल्कुल नहीं है व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सा हो जाता है, पानीपत का प्रथम भी हो जाता है, स्वतंत्रता दिवस भी हो जाता है, मंगलवार भी हो जाता है, लेकिन कौन सी नहीं है, डकैती जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ठाकुर का आप सभी लोग जानते हैं कि स्त्रीलिंग क्या हो सकता है, ठाकुराइन, ठीक है। सभा कौन सी संज्ञा है, तो सभा को आप लोग ऐसे ही बता देख के बता सकते हैं, नाम से सुन के ही बता सकते हैं, सभा है जो आपका कौन सी है, समूहवाचक है, ठीक है। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, तो छात्र, अगर छात्र है उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या इसमें से जोड़ेंगे, लोग, गढ़, वर्ग या फिर जन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गढ़, छात्रगढ़, ठीक है, छात्रगढ़ जैसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा उसका, देखिए क्या बन जाएगा, बहुवचन, ठीक है। व्यक्तिवाचक भाववाचक जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका इसमें से ऑप्शन नंबर सी, दैनिक जागरण जो है व्यक्तिवाचक है, धुलाई जो है भाववाचक है, और तूफान जो है जातिवाचक है। अंकरात व अंकरात व एक सेकेंड कहाँ गया, अंकरात व आकारात संज्ञाएँ क्या होती हैं, ठीक है, पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग होती हैं, दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। इस संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होते, ना स्त्रीलिंग होते हैं, ना पुल्लिंग होते हैं, ना दोनों होते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें अंतर क्या है, आप सभी लोग कहेंगे सर ऊपर तो आप बताएं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होते हैं, देखिए आकारांत संज्ञाएँ हैं और ये आकारांत शब्द है, ठीक है, अंतर है।
तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया क्या होगी? तो तुम खा रहे हो इस वाक्य में जो आपकी सहायक क्रिया है वह है रहे, यानी कि तुम खा रहे, रहे क्या है? सहायक क्रिया है। राधा से गाया नहीं जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य है, ठीक है। वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो वह खाना खाकर सो गया इस वाक्य में आपका पूर्वकलिक क्रिया है, ठीक है। आर्ची से पाठ पढ़ा जाता है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य है। वह पढ़ाई कर चुका है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में जो है आपकी वह है संयुक्त क्रिया है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और जल्दी ही इसकी अगली वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।